बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह मेहरबान वो कौन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। जहाँ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अल्लाह ताला सब का रिज़्क़ शादा करे, बीमारों को शफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज मैं बना रही हूँ कोयला कढ़ाई, और इसके लिए मैंने मटन लिया है। आप चिकन भी ले सकते हैं, आप बीफ भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन लिया है, मैंने 1 kg से ज़्यादा लिया है। तो इसके लिए इसको मैं सबसे पहले मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और इसके लिए मैंने 1 large size का मैंने अनियन लिया है, वो डालूँगी। और साथ ही मैं गार्लिक डालूँगी। ये डाल के दोनों चीज़ें तो मैं इसको बॉयल होने के लिए रखती हूँ। इसको मैं पहले प्रेशर में रखती हूँ। ये मैंने लहसुन और प्याज डाल दिए, तो मैं बंद करके इसको रखती हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए। जैसे ये टेंडर हो जाएगा तो फिर हम स्टेप 2 की तरफ आएंगे। माशाल्लाह, देखिए हमारा ना मटन बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गया। तो अब मैं स्टेप 2 की तरफ आती हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई लिया, इसमें मैंने लार्ज साइज़ का एक अनियन लिया, इसको चॉप कर लिया। और 1/4 cup मैंने ऑयल लिया, और अब मैं इसको हल्का सा ऐसे मैं सौते करूँगी। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालती हूँ। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट लिया है 1 tablespoon, और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने ली हैं पेस्ट नहीं की, मैंने क्रश करके लिए हैं, इसको चॉप किए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, तकरीबन 3 लिए मैंने लार्ज साइज के। इसको हम अच्छे तरीके से इसको बनाए चलेंगे। ग्रेवी बनानी है हमने, तो जैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, साथ ही मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स से मैं शामिल कर देती हूँ। अपने जायके के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर दें। पाउडर 1.5 teaspoon, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ कुछ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बहुत ज़बरदस्त इसके लिए मसाला हो गया। और मैंने ग्रीन जो खूब बहुत ज़बरदस्त रखी हैं, ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर साबुत डाल दी है। अब मैं ये जो मटन है इसको इधर कन्वर्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया,
मैं फ्लेम इसकी मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि जो इसका हल्का सा ये इसके अंदर जो यखनी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है ताकि वो ड्राई हो जाए। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है और जो स्टेप लास्ट वाला है ना वो ज़रूरी है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाती हूँ। ये मैं फोन ऊपर इसके कैप इसलिए दिया है कि ना ये जो स्मोक है ना तो वो इसके अंदर आएगा तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी तो उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। फिर ज़बरदस्त, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट। अब हम इसको गार्निश करते हैं। साथ ही मैं इसके ऊपर गरम मसाला है वो इसके साथ स्प्रिंकल करूँगी।